हमारी मॉर्निंग क्लास दिस इज शिवम एंड टुडे वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है. सो लेट्स रीड योर फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन? अ रोम्बस शेप्ड फील्ड. एक रोम्बस टाइप का फील्ड है. देखो रोम्बस कैसे होते बेटा? काइट की तरह होते हैं. ठीक है, तिरछी फिगर होती है. ठीक है, काइट की तरह दिखती है. चारों साइड इक्वल होते हैं. ठीक है, टू डायगोनल्स बनते हैं इसमें. ठीक है, इसको D1 और D2 कहा जाता है. ठीक है, और आपको बोला गया है कि रोम्बस शेप्ड फील्ड एक खेत है जो कि रोम्बस शेप का है. ठीक है, जिसमें कि हरा घास लगा हुआ है. 480 काउस टू ग्रेज, जिसमें कि 18 आपकी जो गाय है वो वहां पे ग्रेज करती हैं, चरती हैं. ठीक है, उनके लिए ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर साइड इज 14 मीटर. रोम्बस की एक साइड ईच साइड की 30, तो रोम्बस की सभी साइड 30, तो सभी साइड में 30 हो जाएंगी. और एक लंबा डायगोनल, सबसे लॉन्गर डायगोनल जो दिया है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर. तो हमने मान लिया AC जो लॉन्गर डायगोनल, एक डायगोनल मैक्स है, लेकिन AC लॉन्गर है, तो ये कितना निकल 48 सेंटीमीटर का है. ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल ईच काउ बी कैरिंग. बोल रहा है कि प्रत्येक 18 काउ यहां पे चरते, तो एक गाय को कितना एरिया आ सकता है चरने के लिए. ठीक है, मतलब आपको ये निकालना है कि सबसे पहले आपको इस पूरे रोम्बस फील्ड का एरिया निकालना पड़ेगा. ठीक है, फिर आपको ये बताना होगा कि अच्छा ठीक है, अब आपने निकाल दिया एरिया, अब इस टोटल एरिया में 18 जो गाय है आपकी वो घास चरती हैं, तो एक गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा. ठीक है, तो वो निकालेंगे. तो वो तो सिंपल सी बात है, टोटल एरिया को 18 काउ से डिवाइड कर देंगे, एक काउ का एरिया हमारे पास आ जाएगा. लेकिन उससे पहले इस रोम्बस के निकाल दें, उस रोम्बस का हमारे पास पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है ये निकालने का. एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2. तो यहाँ पर डायगोनल 1 में गिवन है, डायगोनल 2 ही गिवन है, यहाँ पे एक ही डायगोनल गिवन. अगर दोनों डायगोनल गिवन तो हमारा एरिया वहां से निकलाना था, बट यहाँ पे नहीं है तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रोम्बस बना लिया. तो लिखेंगे लेट ABCD इज अ रोम्बस फील्ड इन विच, जहां पे साइड लिख लेंगे AB इज इक्वल टू BC, सारी साइड इक्वल इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड लॉन्गर डायगोनल डायगोनल जो अंदर वाले वर्टिसेस को मिलाता है, डायगोनल इज इक्वल टू, नाम लिख लेंगे AC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. आपसे पूछा होगा कि एक गाय में कितना एरिया आएगा इस फील्ड का, तो उसके लिए बेटा आपको पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कितने, ठीक है, वो कितना एरिया. जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे लड्डू बांटने हैं, मैंने एक डब्बा लाया हूँ, ठीक है, लड्डू का एक केजी का डब्बा लाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 5 बच्चों में बांटना है लड्डू, तो उसके लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि टोटल लड्डू कितने मेरे पास. टोटल जितने होंगे उनको 5 से डिवाइड कर दूंगा, अगर 20 होंगे तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितने आएंगे बेटा? 5 5 आ जाएंगे सबको. ठीक है, उसी तरह से आप निकालेंगे. देयरफॉर लिखो, देयरफॉर द एरिया ऑफ रोम्बस फील्ड कैसे निकलेगा? एरिया, टू ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है ADC या ACD, बोलो ADC लिख लेते हैं, ABC. सो टू पार्ट लगा लेंगे, CADC इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, तो हम एक ट्राइंगल के एरिया निकाल लेंगे. अब किसी भी ट्राइंगल को ले लीजिए, फर्स्ट केस में लिखेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का निकाल लीजिए. अब देखो यहां पे मैं आपको एक बात आता हूं, ABC जब हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो यहां पे देखो ABC की साइड्स क्या आ रही है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर. ऊपर भी यही साइड आएंगी, 30 30 48, मतलब इन दोनों का एरिया आपस में क्या होना है, आपका इक्वल होना है. तो अगर आपने एक ट्राइंगल में एरिया निकालेगा तो दूसरा उसमें प्लस कर देंगे, तो आपको रोम्बस का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो सबसे पहले हमारे पास तीनों ट्रायंगल हैं, तो साइन पैरामीटर निकालेंगे बाय हीरोंस फार्मूला के लिए, तो a प्लस b प्लस c बाय 2. अब मैंने आपको कहा है कि ABC आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, यहां पे a जैसे मान लेता हूं 30, बी को मान लेता 30 और सी को मान लेता 40, आप कुछ भी मान सकते हो, 40 30 30 या 30 40 30, कुछ भी. ठीक है, आंसर तो वही आएगा बोर्ड पे, लेकिन आपने आगे ध्यान रखना है फिर ये वैल्यू a की उठानी है, ये b की है, c की. ठीक है, 30 30 हो गया 60 और 60 48 हो गया आपके 108. ओके, 60 और 40 और इस जो 100 108 बाय 2, 2 1 2 2 5 10 और 4 54. सो साइन पैरामीटर इज 54 मीटर, यहां पे सेंटीमीटर ने मीटर होगा मीटर मीटर.
ठीक है। सो आपके पास आ चुका है पैरामीटर 54 मीटर। देयरफॉर बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। मैं छोटा एस की वैल्यू पुट करते चलिए और सॉल्व करते रहेंगे, बाद में ओपन कर लेंगे। तो दिस विल बिकम एस इज 54 एंड एक्स क्या आएगा 54 माइनस ए है आपके पास 30। अब ए की वैल्यू उठानी है बी की, सी की, जैसे यहां पे लिखी हुई, गलत मत करना, आंसर तो फिर भी सेम आएगा लेकिन थोड़ी कभी कभी गलती हो सकती है। ऑलराइट, तो उसको माइनस करके बेटा 54 में से 30 माइनस के कितना है बेटा, याद आएगा आपको 24। सो यहां पे सीधा लिखेंगे हम 24, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई 54 में से 30 गया तो यहां पे कितना आएगा 24, और यहां पे देखो 54 में से माइनस कर लो 40, तो 40 में से 8 गए 6, 4 में से 4 गए तो 6 ही बच गए, 54 में से 40 ठीक है 6 बच गए, ठीक है। अब आपके पास बच रहा है यहां 54, ठीक है 54 बच रहा है, 24 बचता है, 24 के तो पेयर बन जाएंगे यहां बेसिकली, ठीक है 20 के तो पेयर बन गए, बचता है आपके पास 54 और 6, किसका कुछ करना पड़ेगा, हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने यहां पे थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके हमने कैलकुलेशन को कम करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कम कैसे होगी, जब आपको फैक्टर्स मालूम होंगे किसी नंबर के, ठीक है। तो आप देखो यहाँ 54, अब तो बेटा 54 मुझे पता है किस किसके टेबल में आता है, आप लोग वैसे ध्यान देखो 6 के टेबल में आता है 6954, अब देखो 6 लिखूंगा मैं इसको वहां पे तो मेरा काम बन जाएगा। देखो वैसे अब मैं आपको पहले साइड में करवा देता हूँ 54 का आपको फैक्टर आंसर मतलब किन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 54 बनता है, तो सबसे स्टार्टिंग टेबल से 69 होता है 54, अब बड़ा 6×9 लिखूंगा ना 54 तो 6 के साथ 6 का पेयर बन जाएगा और 3 का तो खुद ही पेयर बन जाएगा 3×3 बाद में, तो मैं सीधा लिखता हूँ इसको 6×, अब मैं 6 को आगे ले आता हूँ, चलो मैं यहाँ पे 3×3 लिख देता हूँ, पहले से आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये मैंने थोड़ा है 54 को, ठीक है। नेक्स्ट 24×24 तो पहले से ही आपके पास एक पेयर ऑलरेडी बना हुआ और एक 6 आपके पास यहाँ पे है, सो इनको रीअरेंज कर लो बेटा 6×6×3×3×24×24, दिस इज अ पेयर, दिस इज अ पेयर, दिस इज अ पेयर, एक बाहर ले आओ तो कितना जाएगा 6×3×24, ठीक है। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 432 मीटर स्क्वायर। सो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया आपके पास 432 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह दूसरा ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ऑल्सो 432 मीटर स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस के दोनों ही जो साइड से ट्रायंगल को इक्वल थे तो उनका एरिया इक्वल होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, अब इक्वेशन वन के थे आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी, वहां एबीसीडी लिखो तो एबीसीडी लिख लेना, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी, ये लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 432 आया और ये भी कितना है 432, तो इनको प्लस करके आएगा आपके पास 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। So, अब आपके पास ये तो आ गया एरिया, अब आपको बोला गया कि एक गाय को कितना हिस्सा कवर किया जाएगा, ये पूरे फील्ड का एरिया आ गया 864, मतलब इतने फील्ड में 18 गाय चलती है, ठीक है। तो पहले हम ये लिख देते हैं ना 18 गाय कितने एरिया में चल रही है, तो राइट डाउन एरिया ग्रेज्ड, ग्रेज्ड मतलब चला जाता है ग्रेज्ड बाय 18 crores द्वारा कितना एरिया ग्रेज किया जाता है, तो वो है इतना एरिया टोटल एरिया पे फैल जाती है ना 864 पूरे फील्ड का एरिया। अब हमसे वन का पूछा तो लिखेंगे एरिया ग्रेज बाय 1 crore, ठीक है ठीक है। तो 1 crore के द्वारा कितना होगा 864 को डिवाइड कर दो 18 से, तो काट लिए 2 9 जाए 18, 2 4 जाए 8, 2 3 6, 2 2 जाए 4, 3 से कट जाएगा तो काट लिए 13, नहीं आ रहा 3 से काट 3 9, 3 1 जाए 3, 1 के 33 4 12, 1 के 12 3 4 12,
3 × 3 = 24, 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 3, 3 × 4 = 24, 8 कितना है आपका एक का 48, हाउ मच इज 48 मीटर स्क्वायर, सो लिख लेना 48 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर 12 चैप्टर, और एक क्वेश्चन पक्का आया है यहां से, ठीक है। लॉकडाउन के चलते आपके सिलेबस में लगता है जैसे सीबीएसई का सिलेबस 30% कम हो गया है, आपका सिलेबस भी कम होगा, बट ये नहीं पता कितना कम होगा और कहां से कम होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ऐसा हुआ कि कहीं एंड से सिलेबस मतलब आपके चैप्टर कट कर दिए, तो फिर हमने एंड वाले चैप्टर कर रहे हैं तो फिर हमें फायदा नहीं रहेगा ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय टेकिंग 10 ट्रायंगल्स, एक अम्ब्रेला को बनाया गया 10 ट्रायंगल्स को स्टिच करके, ठीक है, सील करके, जोड़ करके, ठीक है, ऑफ क्रॉस जो भी कपड़े के कपड़े को जोड़ करके, मतलब कपड़े आपके 10 ट्रायंगल्स की फॉर्म में थे, ठीक है, और टू डिफरेंट कलर, जिससे टू डिफरेंट कलर्स के कपड़े, जैसे कि आपको कुछ भी दिख रहा हो ब्लैक एंड व्हाइट, मान लो पांच उसमें स्ट्रिप्स ब्लैक की होगी, पांच ही उसमें व्हाइट की होगी, ठीक है, जैसे एक के बाद जैसे ब्लैक के बाद व्हाइट आ गई, ब्लैक के बाद व्हाइट आ गई, इस प्रकार से 10 होगी तो 3 ब्लैक की या 5 ब्लैक की आएंगे, 5 ही व्हाइट की आएंगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से सबसे पहले क्या क्लियर होता है कि एक अम्ब्रेला है हमारे पास, बना लेते हैं अम्ब्रेला, जिसकी अभी तो आपको सिर्फ यहां से 5 स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 5, एक ब्लैक है फिर व्हाइट है फिर एक ब्लैक है फिर व्हाइट है फिर एक ब्लैक है, तो इसी प्रकार से 5 यहां पे तो 5 प्रीवियस दूसरी तरफ होंगी, और अगर ये आपका छाता है तो बोले कि 2 कलर की स्ट्रिप्स हैं, तो हम मान लेते हैं अगर एक कलर की स्ट्रिप्स तो 5 होगी, तो अगर ब्लैक कलर की होगी तो 5 ब्लैक की होंगी और 5 व्हाइट की, कलर नहीं बताया हमने, ये तो 5 5 होगी दोनों की। अब आपको क्या पूछा हुआ है, इच पीस मेजरिंग, एक हर एक पीस की मेजरिंग, जैसे मैं एक पीस ही और ट्रायंगल ट्रायंगल यहां मान, तो इसकी मेजरिंग कितनी है बेटा, तो इसकी मेजरिंग है बेटा आपके पास 10 ट्रायंगल पीस, ऑफ इच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब ट्रायंगल जो एक स्ट्रिप है उसकी मेजरिंग 50 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, सभी की इक्वल है ये, अभी एक ट्रायंगल की तो सभी ट्रायंगल इतने ही है, ठीक है, इक्वल है सारे के सारे ट्रायंगल अपने आप में, तो आप समझे हाउ मच क्लोथ ऑफ इच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, तो हर प्रकार का ब्लैक ब्लैक कलर कितना कपड़ा लेगा, व्हाइट कलर का कितना कपड़ा लेगा, अब ब्लैक के कितने पार्ट है 5 और व्हाइट के कितने पार्ट है 5, तो सबसे पहले बेटा हम ये करेंगे एक एक स्ट्रिप के निकालेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिप के निकालेंगे, फिर हमें क्या बताना है कि अलग अलग कलर की कितनी स्ट्रिप्स कैर लेगा, तो हम क्या करेंगे उस एक केरी को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और हमें ये पता लगेगा कि ब्लैक का कितना निकलेगा व्हाइट का, दोनों की पार्ट क्या है इक्वल, सो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ये अम्ब्रेला बना लीजिए आप स्टार्टिंग, ठीक है, सो राइट डाउन डायमेंशंस ऑफ ईच ट्रायंगल आर, क्या नाम है डायमेंशन, तो ए लेंगे हम 20, बी को मान लेंगे हम 50 एंड सी को मान लेंगे हम अगेन 50, क्लियर होगी बात, ठीक है। सो ए निकाल सीधा साइन पैरामीटर को फॉर्मूला लगाइए बेटा बिना देखे, दिस इज योर 50 100 120 बाय 2 एंड काट के आएगा 60, ठीक है, तो सेम पैरामीटर आएगा आपका 60 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर यहां पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अब हम निकाल लेंगे देखो बाय यूजिंग हीरोस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S S माइनस ए एस माइनस ए, तो पिछली बार यूज कर लिया तो आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा आई थिंक, S है आपके पास 60 है, A है आपके पास यहां चेक करने वाली 20, तो 60 माइनस 20 यहां बात करें तो 60 माइनस 50 यहां बात करें तो 60 माइनस 50, तो यहां पर 10 10 आएगा तो एक फिर तो ये बन गया 60 में से 20 के बचते हैं 40 और यहाँ बचेंगे 10 और यहाँ बचेंगे 10, तो एक पेयर तो बन गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे हमारा पेयर बन सकता है, ठीक है, बन सकता है या नहीं बन सकता है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है।
और अंदर जो बच गए इनको मल्टीप्लाई करने से 4 जाएगी तो जाएगा आपके 2400। ठीक है, अब यहां नहीं बन रहा है एम्पीयर, तो आपको यहां पे इसका सीधे स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे। तो निकालो बेटा 24 2 1 0 2 0 0 0। ठीक है, ऑफ करते चलिए। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 2 3 5 जा, अब 5 से जाएगा। देखो यहाँ पे 2 का एक्सपेयर बन रहा है, 2 का एक्सपेयर बन रहा है, 1 2 बच जा रहा है, 1 3 बच जा रहा है, 5 का एक्सपेयर बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको इस तरह से, इसको मिटा दूँ, इसको राइट हैंड कर लेना अपने साइड, इसको मिटा दूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के 2 पेयर बन रहे थे, 1 2 अकेला था और 1 3 अकेला था और 2 5 थे आपके, 5 के 2 पेयर, ये अंदर ले जाएंगे अंडर नीचे, और बाकी जो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, 1 5 वहां से आएगा और अंडर बजाएगा 6। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 4 20 20 × 100 कितने होते हैं बेटा 200 हो जाएंगे, कितने जाएंगे 200 अंडर रूट 6 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया। अब ये एक स्ट्रिप का एरिया है, आपसे पूछो कि ईच टाइप के ईच कलर के कितने कपड़ा लगेगा आपके पास, मतलब अगर मैंने ब्लैक स्ट्रिप का निकाला तो ब्लैक स्ट्रिप कितनी बेटा 5, तो एक स्ट्रिप का एरिया इतना है, तो 5 स्ट्रिप का निकालना है कितना होगा, अब 5 स्ट्रिप का जो मैं ब्लैक निकालूंगा उतना ही व्हाइट के लिए लगेगा, क्योंकि इक्वल पार्ट है दोनों के। ठीक है, छात्र में इक्वल पार्ट हम निकालेंगे यहां पे, एरिया ऑफ ईच कलर ऑफ क्लॉथ पूछा हुआ हमसे, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच कलर, जैसे ब्लैक कलर ब्लैक कलर नॉट लेना, ईच कलर ऑफ क्लॉथ बेटा, तो क्लॉथ का ईच कलर, तो एक क्लॉथ के एक पार्ट का एरिया आया हुआ हमारे पास 5 200 √6, तो ईच पार्ट का पूछा हुआ, ईच कलर के प्रत्येक कलर की ईच पार्ट का पूछा, ईच कलर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो अगर मैं ब्लैक कलर की बात करूं तो कितने पीसेज है उसके, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 1000 √6 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, इतना एक ब्लैक कपड़े का इतना लेगा और व्हाइट का इतना लेगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का इतना लगेगा, टोटल हो जाएगा 2000। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से हमें बचते हैं 3 क्वेश्चन जिनको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और आपका इसी प्रकार से चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी कर लिया हुआ है। ठीक है, हमने 11 भी कर लिया, 12 भी कर लिया, तो हमारे चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो बेसिकली अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम चैप्टर आपका 6 चैप्टर कर लेंगे, लाइन एंड एंगल से स्टार्ट कर लेंगे, आपकी ज्योमेट्री वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, वहां से स्टार्ट कर लेंगे।